आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए नजर डालते हैं खास खबर पर। इंदौर के अन्नपूर्णा में पुलिस ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हुए मैच को लेकर लगाए गए सट्टे के आरोपियों को पकड़ा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा है। आरोपियों के पास से सट्टा पर्ची, मोबाइल और कुछ अन्य सामान बरामद हुआ। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में कुछ लोग सट्टा खिलाने जैसा आपराधिक कार्य कर रहे हैं, जिस पर पुलिस ने क्षेत्र के दशहरा मैदान के सामने किराए के मकान में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के तौर पर वैभव, संदीप और मिलन की पहचान की गई। वहीं आरोपियों के पास से सट्टे से जुड़ी पर्चियां भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि मामले में पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने में लगी है। हाँ, अभी कल रात में इंडिया साउथ अफ्रीका मैच चल रहा था, उसमें अपने को सटोरी पकड़े हुए हैं, जिसमें 3 लोग हैं, वैभव, संदीप और मिलन। इनसे कुछ सामान जब्त हुआ है, 3 मोबाइल, एक पेन ड्राइव है, एक कॉपी जिसमें सब हिसाब किताब लिखा है, एक स्पीकर है, एक माइक, एक 2 लैपटॉप, एक लैपटॉप का चार्जर, एक मोबाइल का चार्जर और माउस और 1850 रुपये। कहाँ बैठ के सट्टा लगाया था? ये शाम होंडा जो दशहरा मैदान के सामने, उसके बगल में किराए से मकान लिया था। उसमें कौन लोग, क्या बैकग्राउंड है इनका, कोई यहीं के रहने वाला स्टूडेंट है क्या है? कुछ अपना केशरबाग के रहने वाला है, एक अपना गुरु नानक कॉलोनी का है रहने वाला, और एक अपना सनावत है, नहीं अपना लेडी ग्राम है। जो कल मैच हुआ था उनके क्या रहने हैं? इंडिया का साउथ तो पढ़ाई वढ़ाई भी करते हैं क्या स्टूडेंट टाइम पे? हाँ, हमारी पढ़ाई का कोई करते होंगे? नहीं, ये काम करते हैं। फिलहाल इतना ही। अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।